बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहसील आपके द्वारा, आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। पाली के देसूरी के चार भुजा नाल में पंजाब मोड़ के पास एक ट्रॉला तेज गति से आते हुए चट्टान से टकराकर पलट गया, जिसमें ट्रोले में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से चिकित्सालय पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोहावट के देड़ो गांव में फलौदी नागौर हाईवे पर महाराजा होटल के पास सड़क पर खड़ी पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से बुलेरो टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर में अनियंत्रित कार ने डिवाइडर तोड़ दिया। दूध मंदिर के सामने यह घटना हुई। हादसे में कार चालक घायल हो गया, जिससे लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। दौसा के सिकराय में पैंथर दिखने से ग्रामीण खौफ ज्यादा है। पिछले तीन दिन से पैंथर शाम होने के साथ ही ढाणी के पास आ जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने खेतों की रखवाली करना छोड़ दिया है। पैंथर ने बकरियों और नीलगाय का भी शिकार किया था। माउंट आबू में आज भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शहर का तापमान आज भी माइनस में रहा। सर्दी के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। चुरू जिला घने कोहरे की चपेट में है। तारानगर और राजगढ़ के बीच घना कोहरा छाया रहा। यहाँ विजिबिलिटी 10 मीटर के करीब रही, जिसके चलते मुख्य सड़क मार्ग पर वाहन रेंगते नजर आए। झालावाड़ जिले में सर्दी और कोहरे का असर लगातार जारी है, जिसके चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही हल्की बारिश से सर्दी का असर बढ़ गया है। साथ ही सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के बौली में कल हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। बूंदाबांदी के बाद अचानक ही तापमान में गिरावट नजर आई। उधर मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक सर्दी में तेजी आने की संभावना है। बारा के केलवाड़ा क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं करीब 12 घंटे से क्षेत्र में हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। मावठ के चलते किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। अजमेर के अंबेडकर सर्किल पर मामूली विवाद के बाद एक युवक ने 20 सड़क पर दंपति के साथ मारपीट की। एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर यह घटना हुई। हालांकि घटना के बाद एक यातायात कर्मी मौके पर पहुंचा और मामला शांत करवाने का प्रयास किया। धौलपुर जिले में हल्की बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। उधर प्रथम चरण के मतदान को लेकर मतदान दल की रवानगी पॉलिटेक्निक कॉलेज से होनी थी, लेकिन सुबह से ही शुरू हुई बारिश के बाद पॉलिटेक्निक पहुंचे कर्मचारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चुरू जिले के अधिकांश क्षेत्रों में कोहरे का असर फिर से तेज हो गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे के कारण वाहन रेंग कर चलते हुए नजर आए। करौली जिला मुख्यालय पर रात भर चले बारिश के दौर के बाद सर्दी का एहसास बढ़ गया। वहीं लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों में भी खलल पड़ा है। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और रवानगी स्थल राजकीय पीजी कॉलेज मैदान पर पानी भर गया। बारिश के कारण टेंट और कुर्सियां भी गीली हो गई। सुबह विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तैयारियों में जुट गए। उदयपुर जिले के झांझर गांव में पंचायत चुनाव के आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यहां एक सरपंच उम्मीदवार ने ग्रामीणों को शराब और खाने की दावत दी, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उदयपुर से खारवा चंदा रेलवे स्टेशन तक 100% कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका ट्रायल किया गया। वही खामियों को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जीजवाना के राजकीय बागड़ महाविद्यालय के दो एनसीसी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर पंकज गोस्वामी और अंडर ऑफिसर संदीप शर्मा का चयन 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह के राजपथ परेड के लिए हुआ है। राजपथ परेड में पूरे भारत से कुल 106 कैडेट्स में से राजस्थान के 4 कैडेट्स का चयन हुआ है। डेगाना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रामस्वरूप टेलर को कांग्रेस सेवा दल का जिला सचिव नियुक्त किया गया है। रामस्वरूप टेलर के सचिव बनाए जाने पर व्यापारियों ने स्वागत किया और माला साफा पहनाकर बधाई। भीनमाल नगर पालिका की ओर से 3 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही निजी बस स्टैंड लिए चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही प्लान के आधार पर जल्द ही बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। चारदीवारी के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई है। समाजसेवी रवि सोनी को राजस्थान प्रदेश मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था का प्रदेश प्रचार मंत्री बनाया गया है। सामाजिक कार्यों में सक्रियता के चलते समाज के संगठन ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। पोखरण के स्वर्णकार समाज ने खुशी जताते हुए रवि सोनी को शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ के नया मंदिर में प्रवचन माला आयोजन किया गया, जिसमें दिगंबर जैन संत विमल सागर जी ने प्रवचन दिया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
लोहावट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विश्नावास में भामाशाह द्वारा स्वेटर वितरित किए गए। अध्यापिका सुमन विश्नोई द्वारा कक्षा 1 से 5 तक में अध्ययनरत 65 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। इस दौरान विद्यालय प्रशासन द्वारा अध्यापिका सुमन विश्नोई का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान भी किया गया। डिडवाना के राजकीय बागड़ महाविद्यालय में विज्ञान संकाय के बीएससी भाग द्वितीय तृतीय और कला वर्ग के बीए भाग प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा की फीस महाविद्यालय में 20 जनवरी तक जमा करवानी होगी। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उदयपुर के गोगुंदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिरण मगरी थाने के सीआई हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बच्चों को खेल सामग्री वितरित की। हनुमंत सिंह ने स्कूल के बच्चों को स्वच्छ रहने और सार्वजनिक संसाधनों के समुचित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। जसवंतपुरा के मोदरान गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर ग्रामीणों की ओर से जारी आमरण अनशन 5वें दिन समाप्त हो गया। जिला प्रशासन की सभी मांगें मानने पर ग्रामीणों की ओर से धरना समाप्त कर लिया गया। गोपालगढ़ कस्बे के चुन्नी देवी गणेश राम जाखड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय मेंटर टीचर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ विकास अधिकारी प्रदीप धंधे ने किया। इस दौरान प्रदीप धंधे ने आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाओं और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। डिडवाना से सीकर जाने वाले हाईवे पर सुक्का गांव में सड़क पर ही शराब का ठेका बना हुआ है और नियमों को ताक पर रखकर धरले से शराब खुलेआम बेची जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भीमा नगरपालिका की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ शहर में लगातार अभियान जारी है। अभियान के तहत शहर के करडा 4 रास्ता पर किए हुए अतिक्रमण को भी हटाया गया। वही अस्पताल रोड पर नॉन वेंडिंग जोन में खड़े ठेले वालों को भी हटाया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर धोली घाटी के पास ओवरटेक करते समय कार और जीप में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि दोनों गाड़ियों में सवार लोगों में से किसी को चोट नहीं आई और बड़ा हादसा होने से टल गया। बांसवाड़ा की बाहुबली कॉलोनी में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के तहत गर्भ कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ आरती के साथ हुआ। इस दौरान एक नाटिका का भी मंचन किया गया। बालेश्वर क्षेत्र के सिखाला गांव में एक बोलेरो और टैक्सी की भिड़ंत में टैक्सी चालक की मौत हो गई। वहीं बोलेरो में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका बालेसर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। नागौर जिले के डिडवाना से सीकर निकलने वाले हाईवे पर बसे गांव ललासरी में गांव के दोनों तरफ गंदे पानी के तालाब बन गए हैं, जिससे ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोगुंदा के राजकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और रोड सेफ्टी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आशा वाजपेयी ने विद्यार्थियों को यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत दी। जसवंतपुर के रामसीन कस्बे में 7 दिवसीय गौ कृपा कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक साध्वी श्रद्धा सरस्वती दीदी के मंगल प्रवेश पर ग्रामीणों की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। जोधपुर के पीपार सिटी के राजकीय कन्या कॉलेज में विधायक हीरालाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में छात्र संघ कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक मेघवाल ने कॉलेज में विधायक कोष से कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु 10 लाख की राशि देने की घोषणा की। डिडवाना तहसील के घिरडोदा मीठा गांव में ग्राम पंचायत द्वारा सड़कें तो ब्लॉक लगवाकर बना दी गई, लेकिन नालियों के अभाव में बाकी गांव की तरह यहां भी सड़क पर पानी भरने की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोंक के टोडा राय सिंह उपखंड क्षेत्र से गुजर रही बनास नदी में लगातार हो रहे बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने बजरी से भरे 3 ट्रेलर, 6 खाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 2 कार और 1 बाइक जब्त करते हुए बजरी खनन में लिप्त 15 लोगों को गिरफ्तार किया। भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजस्व गांव मंडली में एक युवक की खेत पर काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में स्पेशल टास्क फोर्स ने बजरी माफियाओं पर कई जगहों पर कार्रवाई की है और 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इनमें से 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टरों को थाने में रखवाया गया है। पाली के तखतगढ़ कस्बे के नेहरू रोड पर स्थित राजकीय स्कूल में सुनहरा बचपन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भामाशाह एनके दादलानी ने विद्यालय में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर जूते वितरित किए। परिवहन विभाग के विनीत चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग छात्राओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने प्रधानमंत्री, चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आरक्षण को हटाने की मांग की। नागौर जिले के डिडवाना उपखंड क्षेत्र के गांव जिसलान में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जिसलान गांव के मुख्य गुवार में जमा गंदा पानी और गलियों में भरा कीचड़ ग्रामीणों की परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीण सरपंच से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया।
पंचायत चुनाव के तहत एसडीएम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बुनकर ने उपखंड कार्यालय सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक ली। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने और जिसकी कमी पाई जाए उसको गुरुवार शाम तक पूरा करने के निर्देश दिए। भीनमाल में यूथ फॉर नेशन संस्था के तत्वावधान में 24 जनवरी को आयोजित होने वाले एक शाम शहीदों के नाम और रक्तदान वीरों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर दूसरा व अंतिम ऑडिशन 19 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। डीडवाड़ा के आसपुरा सरकारी जिमनास्टिक ट्रेनिंग सेंटर के राकेश ने राजस्थान जिमनास्टिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। राकेश का राजस्थान टीम में चयन किया गया है। वही छात्रा वर्ग में किरण और नागौर जिमनास्टिक टीम की छात्राओं ने स्वर्ण पदक जीते। भीलवाड़ा के मांडर कस्बे में चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए का माल चुरा कर ले गया। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है जिसे लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भीनमाल के राजकीय अस्पताल के पास नगर पालिका स्वामित्व भूखंड की नीलामी कार्यक्रम 21, 22 और 23 जनवरी को रखा गया है जिसमें करीब 10 दुकानों की भूमि की नीलामी की जाएगी। इस नीलामी कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शहरवासियों को भाग लेने की अपील की गई। टोंक के निवाई में जयपुर कोटा मार्ग पर स्थित राजकीय कॉलेज के समीप एक कार का टायर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां से तीनों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। जोधपुर में फॉल्ट लोकेटिंग वैन का एक्सीडेंट हो गया। शगुन रिजॉर्ट के पास से घटना हुई। हादसे में स्टाफ सहित ड्राइवर को चोट आई है जिन्हें एमडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस बाइक चोर से चोरी के अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। कोटा शहर में पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग परिंदों की जान का दुश्मन बन गया है। कुन्हाड़ी इलाके में मांझे की चपेट में आने से एक बाज गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद ह्यूमन हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद का पशु चिकित्सालय में इलाज कराया गया। उदयपुर जिले के ओगड़ा कस्बे में व्यापार मंडल एसोसिएशन के आह्वान पर बाजार बंद रखे गए। इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर बाजार शत प्रतिशत बंद रहा जिसमें स्थानीय और बाहरी व्यापारियों का पूर्ण समर्थन रहा। व्यापार मंडल के सदस्यों ने बाजार का निरीक्षण कर सभी व्यापारियों का आभार जताया। पाली के सुमेरपुर में 3 दिवसीय जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ विभिन्न गतिविधियों के साथ हुआ। दूसरे दिन प्रबुद्ध जनों और विद्यार्थियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई। नगरपालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ सहित उपखंड क्षेत्र में अचानक मौसम बदल गया और हल्की बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया। किसानों के मुताबिक ये बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी। करौली में बिगड़े मौसम और रिमझिम बारिश के बीच पंचायत चुनाव कराने के लिए मतदान दल कर्मी रवाना हुए। कलेक्टर डॉक्टर एमएल यादव एडीएम सुदर्शन तोमर ने मतदान दलों को तत्काल रवाना करने के आदेश दिए। दोपहर 1 बजे करीब तेज बारिश हुई तो भारी अव्यवस्था की स्थिति हो गई। झालावाड़ पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण में सरपंच और पंच पद के चुनाव को संपन्न कराने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दल रवाना हुए। 100 ग्राम पंचायतों के 388 बूथों पर मतदान करवाने के लिए 388 मतदान दल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मतदान दल आरक्षित भी रखे गए। पंचायत चुनावों को लेकर कोटा जिले में राजकीय जानकी देवी बजाज कन्या कॉलेज से मतदान दलों को रवानगी दी गई है। कल मतदान के बाद ये पोलिंग पार्टीज तुरंत ही मतगणना करेंगी और रात में ही सरपंच निर्वाचन के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने भी अपनी सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। कल होने वाले मतदान के लिए एसबीपी कॉलेज से 448 मतदान दलों को रवाना किया गया। मतदान दलों को रवाना करने से पहले मतदान दलों को निर्वाचन विभाग की ओर से अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। झालावाड़ के मरोहर थाना में मुरलीधर गौशाला में ग्रामीणों ने गौ पूजा की, साथ ही गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। इस मौके पर मुरलीधर गौशाला समिति ने सभी भामाशाहों का आभार जताया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा मार्ग पर स्थित रोनियाजा जाट मोड़ पर नालियों की पानी की निकासी न होने से नाराज मोहल्लेवासियों ने मालाखेड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की जिसके बाद मार्ग सुचारू हुआ। झालावाड़ के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र में कल से हो रही हल्की बारिश के बाद आज सुबह से ही कोहरे की चादर छाई रही। वही पूरे दिन हल्की बूंदाबांदी के साथ घना कोहरा छाया रहा जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। भीनमाल शहर में ट्रैक ऑनलाइन शोरूम का शुभारंभ सांसद देवजी एम पटेल रतनगिरी महाराज प्रधान धुकाराम डॉक्टर भूपेन्द्र चौधरी ने किया। शोरूम के शुभारंभ पर शहरवासियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। वही शहर में ट्रैक ऑनलाइन शोरूम बनने पर सभी ने खुशी जाहिर की। झालावाड़ जिले के खानपुर में मकर संक्रांति पर्व पर एक माह तक लगने वाले मेले में देर रात अचानक हुई बारिश के बाद दुकानदारों के आशियाने उजड़ गए तो वही लाखों रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है।
जिगाना से महज 2 किलोमीटर दूर चांदारुन गांव में आंगनबाड़ी चारों तरफ से गंदगी से घिरी है, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने आंगनबाड़ी में नहीं भेजते हैं। आंगनबाड़ी के सामने बने पानी की हौद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे पर रतनपुर में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने पैंथर को टक्कर मार दी। हादसे में पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। पैंथर के शव को पशु अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम किया गया। बिसाऊ के राजकीय रामगोपाल जटिया अस्पताल में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक खान ने झुंझुनू जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की 15वीं शाखा का फीता काटकर शुभारंभ किया। मुश्ताक खान ने बताया कि इस सहकारी दुकान से पेंशनर, उपभोक्ता और आमजन को काफी लाभ होगा। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 16 दिसंबर को हुए गोवर्धन राठौर हत्याकांड में फरार आरोपी जीरापुर निवासी पप्पूलाल राठौर को गिरफ्तार किया। इसी मामले में पुलिस अब तक 9 में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।